अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, और 8.1 जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइम। ठीक है, तो टाइम जो है इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, हम अपनी डेली रूटीन के अंदर जो टाइम जो है वो कैसे मेजर करते हैं। तो हम दो किस्म की क्लॉक्स यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक, एक 12 आवर क्लॉक और एक 24 आवर क्लॉक। ठीक है, तो ये दो किस्म की क्लॉक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही टाइम मेजर करने के लिए होती है। ठीक है, 12 आवर क्लॉक जो है इसमें 12 आवर्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम AM PM का यूज़ करते हैं। ठीक है, और 24 आवर क्लॉक जो होती है उसमें हम 24 आवर्स काउंट करते हैं। ठीक है, हम AM और PM के बजाय हम 24 आवर्स काउंट करते हैं। ठीक है, तो इनको मैं बारी बारी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो हम 12 आवर क्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, ये जो है इसके अंदर हमारे पास 12 आवर्स होते हैं। ठीक है, एक जो है हमारे पास मॉर्निंग कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, और मॉर्निंग के जो 12 आवर हैं वो मिडनाइट से, ठीक है, यानी रात के 12 बजे जो हैं उससे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और वो जस्ट बिफोर नून, जस्ट बिफोर नून यानी कि दोपहर से पहले पहले। ठीक है, यानी कि रात 12 से दिन 12 तक जो है ये हमारा मॉर्निंग टाइम होता है। ठीक है, और इसको हम AM से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम है इसको हम AM से डिनोट करते हैं। लेकिन वाइल आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट आर डिनोटेड बाई PM। तो इसके बाद देखें, हमारे दोपहर के बाद शाम और फिर रात, रात को ये सारा जो टाइम होता है हमारे पास, ठीक है, ये हम PM से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी दिन 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक, ठीक है, ये हमारे पास PM होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, मिड नाइट यानी कि रात के 12 से लेके हमारे पास जो दोपहर के 12 होते हैं, ठीक है, वहाँ तक जो टाइम होता है उसको हम AM से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से दोपहर के 12 से लेके रात के 12 बजे तक ये हम PM से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम 12 आवर क्लॉक को यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले 12 घंटे जो हैं उनको हम AM से, और फिर नेक्स्ट जो 12 आवर्स हैं उनको हम PM से डिनोट करते हैं। ठीक है, AM PM जो है ये लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, AM से बनता है एंटी मेरिडियन और PM से बनता है पोस्ट मेरिडियन। अब लैटिन के ये लफ्ज़ हैं, ठीक है, और इनका जो मतलब है वो ये है कि बिफोर मिड डे एंड आफ्टर मिड डे। AM यानी बिफोर मिड डे और PM यानी आफ्टर मिड डे। ठीक है, ये मतलब इनके ये बनते हैं। ठीक है, बिफोर मिड डे का मतलब होता है कि आधे दिन से पहले, ठीक है, और आफ्टर मिडियम यानी आधे दिन के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम AM PM का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एक का मतलब है एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। तो मिड डे जो है ये दिन के 12 बजे तक का टाइम होता है। ठीक है, तो इससे पहले जो है ये बिफोर मिड डे, ये AM होता है। ठीक है, और इससे बाद जो टाइम है वो हमारे पास आफ्टर मिड डे यानी पोस्ट मेरिडियम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 12 आवर क्लॉक को यूज़ करते हैं। तो एक दफ़ा हम AM यूज़ करते हैं और फिर PM यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो 24 आवर क्लॉक होती है इसमें हम AM PM यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो इससे भी हम टाइम को लिख सकते हैं और इससे भी टाइम को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें रात 12 से लेके दोपहर 12 तक तो ये 12 घंटे ही होते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन इसके बाद दोपहर के 12 के बाद, ठीक है, ये मिड डे जो होता है हमारे पास, ठीक है, तो इसके बाद जो है ये हमारे पास ये जो 1 है, ठीक है, इसके बजाय हम 1 के बजाय हम 13 यूज़ करते हैं। ठीक है, 13 के बाद 14 15 16 17 18 और फिर 19 20 21 22 एंड 23। ठीक है, तो इस तरह से हम 24 आवर्स के अंदर जो है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और रात का जब वक्त आता है तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, तो एक दफ़ा हमारे पास दोपहर को ये 12 होता है और रात के वक्त जो है ये जो रात के 12 होते हैं उसमें हम अपना टाइम 00 कर लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट होता है। ठीक है, रात के जो 12 बजते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास जो है वो टाइम 00 हो जाता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सुबह के 7 बजे जो होते हैं। ठीक है, और फिर 8 9 10 11 12। 12 के बाद अब दोपहर में जब 12 बज जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद एक के बजाय अब हम 24 आवर क्लॉक के अंदर हम टाइम को यूँ देखेंगे कि 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम 24 आवर्स के अंदर टाइम को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो किस्म की क्लॉक्स हैं। ठीक है, इसमें 4 डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें टाइम के लिए 4 डिजिट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें जो 2 डिजिट्स होते हैं, फर्स्ट ये आवर्स होते हैं और सेकेंड जो 2 डिजिट्स होते हैं ये
मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एएम पीएम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हम 24 के 24 हॉर्स काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 24 हॉर की क्लॉक है और ये जो है ये 12 हॉर वाली क्लॉक, इसमें एएम पीएम यूज़ करते हैं और इसमें हम 4 डिजिट के अंदर कंप्लीट जो है टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो टाइम के लिहाज से आपने याद रखने, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर वन मैं रीड कर लेता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम टू 24 आवर्स क्लॉक रोटेशन, ठीक है। तो ये हमें टाइम जो है ये एएम पीएम के अंदर गिवन है, ठीक है। इसको हमने 24 आवर क्लॉक का जो टाइम सिस्टम है इसके अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हमने 24 आवर क्लॉक रोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, कि हम इसको 24 आवर क्लॉक पे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास 8 ए है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 8 AM जो है ये सुबह के 8 बजे है, तो 8 AM जो है ये सुबह का वक्त होता है, ठीक है, 8 AM। तो अब 8 AM जो है, अगर हम 24 आवर क्लॉक की बात करें, तो यहाँ से मिडनाइट से 00 होता है, ठीक है। 0 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये सुबह के 7 होते हैं, ठीक है, और फिर 8, ठीक है। तो इसको हम 24 आवर क्लॉक में भी 8 ही कहेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम 24 आवर क्लॉक सिस्टम के अंदर लिखें तो इसको हम कुछ यूँ लिख लेंगे कि 8 and 00, ठीक है। इसको हम 4 डिजिट्स में डिनोट करते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 4 डिजिट्स होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं हॉर्स के लिए और 2 डिजिट्स होते हैं मिनट्स के लिए, ठीक है। इसमें एएम पीएम यूज़ नहीं करते, ठीक है, लेकिन पीएम के सारे जो हैं वो फिर 13, 14 and so on इस तरह से हम नंबर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम 8 AM की बात करें तो 8 ही बनता है, ठीक है। तो इसको हम अगर 24 आवर सिस्टम में लिखें तो इसको हम यूँ लिखेंगे, इसमें इसके साथ हम एएम या पीएम नहीं लिखेंगे और इसको हम 4 डिजिट्स के अंदर लिखेंगे, 2 डिजिट्स जो हैं ये हॉर्स के लिए और 2 डिजिट्स नंबर्स के लिए, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास है 9:42 PM, ठीक है। तो अब ये पीएम की बात करें, अब पीएम में मैंने आपको बताया था कि दोपहर के बाद ये जितना भी टाइम होता है ये पीएम होता है, ठीक है, यानी आफ्टर मिड डे होता है। अब 24 आवर सिस्टम के अंदर हमारे पास दोपहर के 12 बजे के बाद ये हमारे पास एक जो है ये अब 13 होगा, फिर इसी तरह 14, 15, यानी कि दिन के 3 जो हैं उनको हम 15 कहेंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह से आगे चलते जाएँ तो हमारे पास जो आता है हमारे पास टाइम है 9:42, तो ये आ जाएगा 9 9, को हम डिनोट करते हैं 21 से, ठीक है। मैंने बताया था कि दोपहर के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको हम अब 1 2 3 के बजाय 13 14 15 16 एंड सो ऑन डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे पास आता है 9:42, तो 9 जो है ये 21 और को डिनोट करें, ठीक है। तो 21 एंड बाकी मिनट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 21 और ये हॉर्स आ जाएंगे और हमारे पास 42 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम 24 हॉर नोटेशन के अंदर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ओके, अब बात करें मिडनाइट की, ठीक है। मिडनाइट हमारा होता है रात के वक्त, ठीक है, बिल्कुल रात के वक्त जब 12 बज जाते हैं ना रात के, ठीक है, इसको मिडनाइट कहते हैं, ठीक है। तो मिडनाइट का मैंने बताया था आपको कि मिडनाइट जो होती है 24 आवर्स के अंदर ये 00 कहलाएगी, ठीक है, यानी इस टाइम 0 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूँ डिनोट कर लेंगे, 0 आवर एंड 0 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मिडनाइट जो है ये 0 आवर्स एंड 0 मिनट था आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। तो रात के 12 जो होते हैं, ठीक है, उसको हम 00 से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी हमारा नया दिन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास 2:42 AM, तो AM मैंने बताया था, AM को हम सेम उन्हीं नंबर से डिनोट करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये रात का वक्त जब होता है, ठीक है, तो रात का जब हमारा 1 बजता है तो ये हमारा 1 AM होता है, फिर 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 6 7 8 9, ये 11 AM के बाद 12 अब PM हो जाएगा, ठीक है, फिर दोपहर का वक्त आ जाता है। लेकिन 24 आवर सिस्टम के अंदर दोपहर का जो 1 होता है उसको हम 13 कहेंगे, ठीक है, और इसी तरह से 14 15 एंड सो। तो अब हमने इसको 24 आवर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो एएम की बात करें तो 2 AM, ठीक है, ये जो हमारे रात के 2 बजे होते हैं, ठीक है। तो 2 AM जो है इसको हम ऐसे ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हॉर्स को हम 0 2 2 डिजिट से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने 2 डिजिट से हॉर्स को डिनोट कर दिया और मिनट जो है इनको हम एज इट इज लिख लेंगे, 42 मिनट्स, ठीक है। इसके साथ AM PM हम नहीं लिखेंगे, ठीक है।
तो इसके बाद देखें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके साथ 2 और 42 मिनट एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम टू 12 आवर क्लॉक नोटेशन, ठीक है। तो अब हमें 24 आवर क्लॉक नोटेशन के अंदर टाइम गिवन है, इसको हमने 12 आवर क्लॉक नोटेशन के अंदर लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3:30। 3:30 जो है ये AM के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3:30 AM, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3:30 AM, ठीक है। ये AM हम इसके साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये रात के 3 बजे की बात करें, ठीक है। तो रात के 3 बजे जो है यानी कि इसको मॉर्निंग में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम AM लिखते हैं। तो अगर हम दिन की बात करते तो दिन के वक्त हम 3 नहीं 15 यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे 3:30 यूज़ किया गया, लिहाजा ये सुबह के वक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3:30 AM के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो 23:12। अब 23:12 23 हॉर्स, देखें 23 हॉर्स हम कहते हैं 11 को, ठीक है। 11 को कहेंगे, ठीक है, 23 हॉर्स, लेकिन ये रात के 11 है, ठीक है। यानी कि ये जब दिन का बिल्कुल अहतमाम हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए 13 14 15 एंड सो ऑन करते करते 23 हॉर्स पे आता है, ठीक है। तो ये हमारे रात की 11 से 12 का टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो टाइम दिया हुआ है वो 23 हॉर्स एंड 12 मिनट्स, ठीक है। अब 23 को डिनोट करेंगे 11 से, ठीक है, और 11 के बाद हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। अब ये PM आएगा, PM क्योंकि ये आफ्टर मिड डे है, ठीक है, पोस्ट मेरिडियम है, तो इसको हम PM लिखेंगे। ये जो 23 आवर्स एंड 12 मिनट्स हैं ये रात की 11 बजे की बात हो रही है, ठीक है, लिहाजा हम 11:12 PM लिखेंगे, ठीक है, यानी पोस्ट मेरिडियम लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको 12 आवर क्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये दिन की बात होती तो हम इधर AM लिखते, ठीक है, लेकिन ये रात की बात है तो 23 आवर्स जो होते हैं ये रात की 11 बजे का टाइम होता है, ठीक है, लिहाजा इसको हम PM के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास नेक्स्ट है 19:15, ठीक है, यानी 19 आवर एंड 15 मिनट्स। अब 19 हॉर्स जो है ये हमारा होता है 7 PM, ठीक है। तो 19 हॉर आ जाएगा हमारे पास 7 PM, ठीक है, क्योंकि देखें 12 में हम 7 ऐड करें तो 19 आता है, ठीक है। तो दिन के 12 हो गए हमारे पास, ठीक है। 12 के बाद हम मजीद ऐड करते जाएंगे तो वो हमारे पास आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो ये हमारे पास आता है 7 मिनट्स जो है वो सेम ही रहेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 7:15। अब ये देखें ये 19 जो है ये शाम के 7 बजे का टाइम होगा, ठीक है, तो लिहाजा हम इसको PM लिखें, ठीक है। तो नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नॉर्मल नंबर है ना 12 तक, ये रात 12 से लेके सुबह 12 तक का टाइम होता है। इसके बाद दोपहर का टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर इसी तरह से आता है 13 14 15 16, ये हॉर्स काउंट करते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 00:00:00। मैंने आपको बताया था ये तब होता है जब हमारी मिड नाइट होती है, ठीक है। मिड नाइट यहाँ पे यानी कि नया दिन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये फर्स्ट जो है ये 00:00 होता है, ठीक है, और फिर इसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं तो फिर ये 1 2 3 4 ये सारे सेम वही हॉर्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी 00:00 जो है ये हमारे पास मिड नाइट का टाइम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर 12 AM बन जाता है, ठीक है। तो रात के जो 12 होते हैं इनको हम 12 AM लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 AM, ठीक है। तो हमारे पास देखें इसके साथ मिनट्स कोई नहीं है तो हम यहाँ पे मिनट्स भी 00:00 लिखेंगे, लेकिन हॉर 00:00 तब होते हैं जब हमारे पास रात के 12 बजते हैं, ठीक है। तो 12 AM जो है ये हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन क्वेश्चंस को 24 हॉर्स से 12 हॉर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।